हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ठेठ हरियाणा। ठेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल के राम राम। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा व कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा जसपा गठबंधन सरकार को धान की फसल लगाने पर प्रतिबंध लगाने के मामले में आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की नादरशाही अब सब हदें पार कर गई है। 9 मई 2020 को एक हिटलरशाही हुक्मनामा जारी कर खट्टर सरकार ने रतिया जिला फतेहाबाद सिरसा जिला सिरसा गुलाचिका सीवन जिला कैथल शाहबाद बैबन इस्लामाबाद पिपली जिला कुरुक्षेत्र में धान की खेती पर पाबंदी लगा दी है। अब उपरोक्त 8 ब्लॉक्स में किसान की व्यक्तिगत मालिकियत वाली 4,44,659 एकड़ भूमि में धान लगाने पर रोक लगा दी गई है। 25 मई को रतिया के हजारों किसान सड़कों पर ट्रैक्टरों के साथ धानबंदी की नादर शाह की खिलाफ संघर्ष व विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सरेआम झूठ बोलकर उन्हें बरगलाया व कहा कि निजी भूमि पर धान लगाने का कोई प्रतिबंध नहीं है, पर यह प्रतिबंध तो रतिया से शुरू कर पिपली तक उनकी खुद की सरकार द्वारा 9 मई 2020 को लगाया गया। किसानों को बरगलाने व गुमराह करने की सखट्टर चौटाला सरकार की साजिश साफ है। हमारी मांगे, इन्होंने कहा है कि हमारी जो मांगे हैं वो हैं 9 मई 2020 का धान की खेती पर पाबंदी लगाने वाला हिटलर शाही हुक्मनामा फौरन खारिज हो, खट्टर सरकार का पंचायती जमीन पर धान लगाने की खेती रोक लगाने वाला किसान विरोधी आदेश फौरन वापस करे, किसान के 50 हॉर्स पावर की मोटर वाले ट्यूबवेल कनेक्शन काटने का आदेश फौरन खारिज किया जाए, किसान की सब्सिडी वापस लेने व अन्नदाता किसान को परेशान करने वाले भिन्न भिन्न आदेश फौरन वापस लिए जाएं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें।